हेलो एवरीवन, आई एम नैना एंड यू आर वाचिंग साइबर वन फोटेक चैनल ट्रेडमार्क ऑफ नॉलेज। सो आज का हम लोग का सेंटेंसेस लर्निंग सेशन है। इस सेशन में हम लोग आज कुछ और नए यूनिक सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलें ये सीखने वाले हैं। ये वो सेंटेंसेस है जो आप लोग काफ़ी बार यूज़ करते हो, मे बी कि आप लोग किसी ना किसी से बोलते ही हो। तो आज हम लोग इस सेशन में सीखने वाले हैं कि उन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। जल्द ही मैं आप लोगों के लिए वोकैबलरी का एक बहुत अच्छा कलेक्शन लेकर आने वाली हूँ, जिससे आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके रेगुलर कॉन्वर्सेशन में। आप जो रोज़ बातचीत करते हैं उसके लिए आपके पास एक अच्छा खासा शब्दकोश इकट्ठा हो जाएगा। काफ़ी बेसिक भी रहेंगे, जिसमें आपको लगेगा कि अरे इसकी इंग्लिश पे तो हमने कभी ध्यान दिया ही नहीं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के लर्निंग सेशन को। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, इस बात की शहर में चर्चा है। काफ़ी बार हम लोग बोलते हैं कि अरे यार इसकी खबर तो सबको है। जैसे कोई फ्रेंड आपसे कुछ कहता है, कुछ छुपाता है, तो आप कहते हो रहने दे, इसकी खबर तो पूरे शहर में है, इस बात की चर्चा तो पूरे शहर में है। तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं दिस इज़ द टॉक ऑफ द टाउन। जब भी आपको ऐसा कुछ बोलना हो कि इसकी खबर पूरे शहर में, इसकी चर्चा पूरे शहर में है, तो फ्रेंड्स आप लोग क्या बोलेंगे, दिस इज़ द टॉक ऑफ द टाउन। चलिए, इसके सिवाय कोई चारा नहीं था। अपन ने कुछ किया, अपन एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो अपन बोलते हैं यार मैं क्या करूँ, इसके सिवाय मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसके सिवाय मेरे पास कोई चारा नहीं था। तो उसको कैसे बोलेंगे, देयर वॉज नो हेल्प फॉर इट। जब भी आपको देयर के साथ कुछ भी बोलना हो तो उसको स्पीड में बोलिए, फटाक से बोलिए, रुक रुक के नहीं बोलना है, ऐसे बोलना है देयर वॉज नो हेल्प फॉर इट। ऐसे नहीं कि देयर वॉज नो हेल्प फॉर इट, नहीं नहीं, ये अलग अलग साउंड बिल्कुल ना करें, प्रैक्टिस इसी को कहते हैं, देयर वॉज नो हेल्प फॉर इट, उसके सिवाय कोई चारा नहीं था, ये विचार मुझे सूझा ही नहीं। अब जैसे आपने अपने फ्रेंड से कोई अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करी, कुछ शेयर किया, देन उसने आपको कुछ आइडिया दिया, कुछ सुझाव दिया, तो आप लोग क्या बोलेंगे उससे, अपन क्या बोलते हैं, अरे यार ये आइडिया तो मुझे आया ही नहीं, ये विचार मुझे तो सूझा ही नहीं, ये रास्ता तो मुझे ध्यान ही नहीं आया, इसका तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, दिस आइडिया डिडंट स्ट्राइक मी। डिड नॉट बोलो, डिडंट बोलो, अप टू यू, ये आपके ऊपर निर्भर करता है जो आप बोलना चाहो। दिस आइडिया डिडंट स्ट्राइक मी, ये विचार मुझे आया ही नहीं, ये सुनी सुनाई बात है। जैसे आप लोग देख रहे हो कि अभी इतनी बड़ी COVID-19 चल रहा है, कोरोना का प्रॉब्लम चल रहा है, तो कोई लोग कुछ नो भी अफवाहें उड़ाते रहते हैं, र्यूमर्स स्प्रेड करते हैं, तो अपन बोलते हैं ना कि नहीं नहीं ऐसा हर किसी पे बात मत करो, ये सुनी सुनाई बात है। उसने सब्जी वाले से सुन लिया, उन्होंने आपसे कह दिया, आपने व्हाट्सएप पे सबको बोल दिया, तो ये सुनी सुनाई बात है। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, इट इज़ ओनली अ हियरसे। जब भी सुनी सुनाई बात को बोलने की इच्छा हो तो उसको हियरसे बोलते हैं, ठीक है, इट इज़ ओनली अ हियरसे। हियरसे का मतलब होता है सुनी सुनाई बात। चलिए यार हवा खाने चले। अब क्या हुआ, देखिए कुछ जगहों पे लॉकडाउन में काफ़ी ज़्यादा छूट दे दी गई है, लिबर्टी मिलने लगी लोगों को, तो अब लोग सोचते हैं यार चले यार थोड़ा सा हवा खाने चले, घूमने चले। तो उसको कैसे बोलोगे आप, लेट अस गो आउट फॉर एन एयरिंग, लेट अस गो आउट फॉर एन एयरिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंग्लिश में बोलना। चलिए, मेरी बातों का बुरा नहीं मानना। अब आप किसी को सलाह देते हो, किसी को एडवाइस देते हो, तो आप समझाते तो बोल देते यार देख मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं तो तेरे भले के लिए कह रहा हूँ। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, डू नॉट टेक माय वर्ड्स टू हार्ट। मेरी बातों का बुरा नहीं मानो, या मेरी बातों का बुरा नहीं मानना, डू नॉट टेक माय वर्ड्स टू हार्ट। दम है तो मुझे हाथ लगा के बता। अब आपने कह दिया, सामने वाले ने बुरा मान लिया, लड़ाई चालू हो गई, उसने आपसे कह दी दम हो तो मुझे हाथ लगा के बता। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, टच मी इफ़ यू डेयर। यानी कि अगर आपको कभी किसी से बोलना है कि तेरे में दम है ना, तो मेरे में हाथ लगा के बता, या इस तरीके आपको कोई भी धमकी देना है तो आप इंग्लिश में बोलना चाहें तो बोलना टच मी इफ़ यू डेयर। देखो ये सेंटेंसेस आप लोग बोलते हो, काफ़ी बार बोल भी चुके होंगे, लेकिन आज आपने सीखा कि आप इनको इंग्लिश में किस तरीके से बोल सकते हो। जल्दी मैं आपके लिए वोकैबलरी लेकर आऊँगी और मैं आपको इसी तरीके से वो एक्सप्लेन करूँगी, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, आपकी जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करेगी आपकी, और आपको अच्छा लगेगा वो सेंटेंसेस को बोलने में, उन वर्ड्स को यूज़ करने में। आपने वीडियो को एंड तक देखा, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल पे आज पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और इस तरीके से चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।